भक्तों राधे राधे। भक्तों अगर अभी तक आपने असल आस्था को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हिंदू धर्म के विषय में आपको अलग अलग जानकारियां समय समय पर देते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बुधवार को क्यों होती है गणेश जी की पूजा, इन्हें प्रसन्न करने का महामंत्र। बुधवार का दिन गणपति जी का विशेष दिन होता है और इस दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व भी होता है। हर बुधवार के दिन विग्रहर्ता श्री गणेश जी की पूजा का विधान है। वैसे तो सप्ताह में आने वाले हर वार पर किसी न किसी खास देवी या देवता की पूजन का विधान होता है, लेकिन बुधवार का दिन भगवान गणपति के लिए निर्धारित है। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि बुधवार के ही दिन गणेश जी की क्यों पूजा की जाती है? आइए हम आपको बताते हैं। मान्यता है कि यदि बुधवार के दिन गणपति की पूजा विधि विधान के साथ की जाए तो गणपति जी तुरंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सभी संकटों का नाश करते हैं और उसे धन संपदा वृद्धि विवेक स्मृति से समृद्ध करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि गणेश जी की पूजा क्यों करनी चाहिए, उनका क्या महत्व है और भगवान गणपति को प्रसन्न करने के महामंत्र कौन से हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती के हाथों गणेश जी की उत्पत्ति हुई तब कैलाश पर्वत पर बुद्धदेव भी मौजूद थे। इस वजह से गणपति जी का विशेष दिन बुधवार निर्धारित हो गया और बुध भगवान गणपति के प्रतिनिधित्व ग्रह बन गए। आपको बता दें बुधवार को सौभ्यवार के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता है कि इस दिन यदि गणपति की पूजा की जाती है तो उससे बुध ग्रह भी की प्राप्ति होती है और मजबूती भी आती है। भगवान गणपति स्वयं विग्रहर्ता माने जाते हैं और शुभ कार्य प्रदान करने वाले हैं और वहीं बुध ग्रह धन सुख और ऐश्वर्य के घोतक भी हैं। ऐसे में जब बुधवार को गणपति जी की पूजा होती है तो इससे पहले बुध देव भी प्रसन्न होते हैं। उन लोगों को बुधवार को गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें बुधवार सौभाग्य और धन पायन के लिए जरूरी उपाय करें। उपाय नंबर एक, बुधवार के दिन गणपति जी को कम से कम 21 दुआ की गांठ जरूर चढ़ाएं। उपाय नंबर दो, बुधवार के दिन गणपति जी के भोग में गाय के घी में गुड़ मिलाकर जरूर चढ़ाएं। पूजा के बाद इस भोग को गाय को खिलाएं। उपाय नंबर तीन, बुधवार को गणपति जी को शमी के पत्ते को अर्पित करना चाहिए, जिससे बुद्धि और ज्ञान के साथ साथ विवेक भी बढ़ता है। उपाय नंबर चार, बुधवार के दिन घर में गणेश जी की श्वेत मूर्ति स्थापित करें और उन्हें श्वेत प्रसाद अर्पित करें, इससे घर में सौभाग्य आता है। साथ ही आपको यह भी बताना जरूरी है कि जिन लोगों का बुध कमजोर होता है उन लोगों को बुधवार को श्री गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो भक्तों आपको बुधवार के दिन गणेश जी की ये विधि हमारे द्वारा बताई कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल असल आस्था को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस विधि को जो कि गणेश जी की आपको बताई गई है इसे लाइक शेयर जरूर करें ताकि औरों को भी लाभ हो सके। राधे राधे भक्तों।